नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, पार्टियों में टिकटों को लेकर दावेदारी और खींचतान भी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के मेरा बूथ मेरा गौरव की कहानी आपने देखी ही थी, जब प्रदेश के दिग्गज नेताओं के सामने स्थानीय नेता अपना दमखम दिखाते दिखाते कैसे एक दूसरे पर डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बीजेपी में भी टिकट को लेकर हालात कांग्रेस से अलग नहीं है। एक तरफ बीजेपी सूबे में एक बार फिर से कमल खिलाने की तैयारी कर रही है, पसीना बहा रही, तो वहीं कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि हम पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे, लेकिन टिकट के लिए किसी भी सूरत में पैराशूट उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं होंगे। वहीं राहुल गांधी और अविनाश राय खन्ना के बयान के बाद क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि दोनों पार्टियां पैराशूट उम्मीदवारों से दूरी बनाकर रखेंगी, या फिर जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि जीत के लिए कुछ भी संभव हो सकता है, जो फैसला होगा वही कार्यकर्ताओं को मानना होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखा। राजस्थान में गौरव यात्रा के जरिए सूबे का भ्रमण कर रही बीजेपी के विजय रथ के पहिए तब अचानक थम गए जब टिकट के नाम पर हुए शोर ने विजय शंखनाद की आवाज को धीमा कर दिया। सूबे में फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी पसीना बहा रही है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कार्यकर्ताओं की चीखों ने बीजेपी को सन कर दिया। बीजेपी मुख्यालय पर आमेर से आए कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं से साफ कहा, सुनिए नेताजी, पार्टी ने अगर स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया तो ही जीतने की गारंटी होगी, वरना एक बार फिर इतिहास दोहराया जा सकता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी ही हराते हैं, तो पार्टी पदाधिकारियों ने साफ करते हुए कहा कि भले ही स्थानीय प्रत्याशी किसी भी जाति का हो, उसे जिताने के लिए पूरी पार्टी एकजुट होगी। कि आमेर में जो बाहरी व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाया जाता है और वो कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करते हैं, उनको पता नहीं कौन कार्यकर्ता कितना वजनी है, कौन कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, उनको उपेक्षा करते हुए दूसरे कार्यकर्ताओं को बाहर से पकड़ के लाते हैं, कोई गंगानगर से लाते हैं, कोई करौली दौलपुर से लाते हैं, वो ला कर यहाँ उल्टे सुलटे जमीनों के काम करके और जनता को परेशान करते हैं, उससे जनता त्रस्त है। तो हमसे यही निवेदन है कि स्थानीय उम्मीदवार को किसी भी जाति में, किसी धर्म को, किसी भी समाज को दो, हम उसको जिता के लाएंगे, उसकी गारंटी दे के लाएंगे। एक और बात आप सुनिए, आमतौर से क्या होता है, आप अपना खून पसीना देते हो, लगे रहते हो, चुनाव जिताते हो, चुनाव से पहले पैराशूट लेकर ऊपर से कैंडिडेट्स आते हैं, एमएलए टिकट ले जाते हैं। देखा आपने, इस बार मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, एक भी पैराशूट वाला कैंडिडेट टिकट नहीं ले पाएगा। जैसे ही वो ऊपर से पैराशूट लेके जंप करेंगे, मैं पैराशूट के इधर धागा होता है उसको काट दूंगा, 20,000 फुट से गिरेंगे नीचे। भले ही आमेर से चुनाव लड़े सतीश पुनिया को बाहरी बताकर आमेर के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हो, लेकिन पुनिया को जाति बिरादरी से ऊपर बताकर सर्वमान्य नेता बताने वाले भी कम नहीं है। ऐसा ही एक कार्यकर्ता उमा शंकर मुंदड़ा जब सतीश पुनिया की पैरवी करने लगे तो विरोधियों ने उसे धकेल दिया। कार्यकर्ताओं के इस विरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी सामने आए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन कार्यकर्ता को अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही रखना चाहिए। साथ ही सैनी ने साफ किया कि टिकट का फैसला सामूहिक होता है, लिहाजा टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ता को पार्टी के फैसले का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि निर्णय करने वाला एक व्यक्ति नहीं है, निर्णय करने वालों ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर निर्णय किया है कि टिकट किसको मिलने वाली है। और मैं निर्णय नहीं मानूं मेरे लोगों का, तो फिर मेरे नीचे वाले मेरा निर्णय नहीं मानेंगे तो पार्टी में अनुशासनहीनता बढ़ जाएगी। लेकिन इन सब के इतर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बाहरी प्रत्याशी के विरोध को दरकिनार कर दिया। कहा, पार्टी का लक्ष्य बड़ा है और उसे हासिल करने के लिए पार्टी जिताऊ प्रत्याशी पर ही फोकस करेगी, इसके लिए पार्टी जाति बिरादरी समेत तमाम पहलुओं को जांचने के बाद ही टिकट देगी। अभी किस बिरादरी का है, कौन है, कैसा है, ये मंथन जो है ये शुरू हुआ है,
कार्यकर्ता का फीडबैक, बूथ पे फीडबैक, मंडलों का फीडबैक, जिले का फीडबैक, ये सारा लेने के बाद निर्णय करेंगे, जो जीतेगा उसको ही टिकट देंगे। इससे पहले बीजेपी चुनाव में टिकट को लेकर पार्टी के विचारों में नेता की आस था, प्रत्याशी की प्रतिबद्धता और उसकी कार्यशैली को तरजीह देती रही है, लेकिन अब की बार जिताऊ उम्मीदवार की बात कहकर पार्टी ने सभी तरह के विरोध को दरकिनार कर दिया है। लेकिन क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर पाएगी? शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। तो आमेर की स्थिति से आपको अवगत करवाई दिया, और कुल मिलाकर कहा जाए कि इस वक्त सिर्फ बीजेपी में ही नहीं बल्कि दोनों पार्टियों में ऐसे हालात बने हैं। हालांकि राहुल गांधी ने उधर साफ कर दिया था कि पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पिंकेश पुरवाल साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ओम सैनी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, और सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ हैं। पुरवाल साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। दरअसल आज मुद्दा इसलिए गरमाया है क्योंकि आमेर को लेकर जिस तरीके से सतीश पुनिया साहब का विरोध भी हो रहा, सपोर्ट हो रहा, लेकिन उससे बड़ी बात है कि सिर्फ आमेर ही नहीं पूरे राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के भीतर ऐसे हालात हैं, और कार्यकर्ता भी ये कहते हैं कि 5 साल हम मेहनत करते हैं लेकिन टिकट कोई और लेके जाता है। क्या वाकई में इस बार पैराशूट उम्मीदवारी से पार्टियां किनारा करेंगी, और आपकी पार्टी क्या करेगी? संजय जी, इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है देश के अंदर जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर निश्चित रूप से जमीनी फीडबैक, कार्यकर्ताओं की मेहनत और ये स्थिति का आकलन किया जाता है कि भाई कौन इस सीट को जीता सकता है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात सही कही है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार का मतलब ये नहीं कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं हो। जिताऊ उम्मीदवार का मतलब नहीं कि राहुल गांधी जी जैसे पिछले दो चुनाव के पहले पैराशूट की तरह आ गए देश के अंदर और देश के प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में एक काल्पनिक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अनुशासित है, और निश्चित रूप से अगर कोई कार्यकर्ता आज मीडिया में आकर कोई बयानबाजी करता है तो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी या अनुशासन की कमी दिख रही वो है। तो बात सही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए। पुरवाल साहब, शब्द यही है कि जिताऊ उम्मीदवार, क्या वाकई में जिताऊ उम्मीदवार की परिभाषा में ये दोनों चीजें आती हैं, या पैराशूट उम्मीदवार अगर वाकई में इतना काबिल है वहां जीत सकता है तो उसको लाए, या फिर स्थानीय कार्यकर्ता, दोनों को तरजीह दी जा सकती है? नहीं 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 नहीं, पैराशूट उम्मीदवारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कभी विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जमीनी कार्यकर्ताओं, जो कि कार्यकर्ता है बरसों बरस से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। और तो फिर सतीश पुनिया को लेकर क्यों विवाद मच रहा है? सभी से विचार विमर्श करके टिकट देगी। सतीश पुनिया को लेकर क्यों फिर वहां के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं? आप तो ये मान के चलिए कि चूंकि अभी 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 संजय जी ये स्थिति हुई है कि अभी एक संभाग की यात्रा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की, जिसके अंदर ये स्थिति है कि पूरे प्रदेश के अंदर माहौल बदल गया है। अब पूरा प्रदेश में ये लगने लग गया है कि अब इस प्रदेश में अगर अगली सरकार कोई बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो उस माहौल को देखते हुए निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं की अपने मन की इच्छा होती है कि भाई हमारा व्यक्ति ये चुनाव लड़े, फला ठीका जो भी है रहता है। लेकिन अब जहां परिस्थितियां कांग्रेस के अंदर थी कुछ समय पहले, कांग्रेसी बहुत इस बात को कह रहे थे कि नहीं हमारा इस अगली सरकार राजस्थान के अंदर हमारी बनने वाली, वहां तो ये स्थिति हो गई कि कांग्रेस के अंदर उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं मिल रहा है और राहुल गांधी जी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। एक सक्षम उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जो संसद में आग मारता है और स्टेज पे आग मार रहा है सचिन पायलट जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी, अशोक गहलोत जी को गले लगा रहे हैं और वहां सारा सत्येंद्र भारद्वाज जी जा रहा है। ऐसी परिस्थितियां है, ऐसा आपके अध्यक्ष कहते हैं कि पैराशूट उम्मीदवारी को यहां पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी खुद दूर से आए हैं जी, राजस्थान में कोई इनके पास चेहरा नहीं है, और राहुल गांधी अगर आगे प्रचार करेंगे तो इसको क्या माना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मैं संजय जी एक बात बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो पोरवाल जी बता रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक संभाग के हिसाब से इन्होंने पूरे राजस्थान का निर्णय ले लिया है कि सरकार इनकी बनने जा रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो मदन लाल सैनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो आ जाएगी, हम जो में जो बताया जाएगा, हम उस आदमी को टिकट देंगे। मैं मदन लाल जी सहित पोरवाल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या उनकी वसुंधरा जी सुनेंगी क्या? वसुंधरा जी तानाशाही का एक प्रतिरूप है। नहीं सर, कांग्रेस की बात रख लीजिए ना, जब आप बोल रहे थे मैं आपको सुन रहा था। नहीं नहीं, आप सत्येंद्र भारद्वाज जी कांग्रेस की बात कर लीजिए। आप कांग्रेस क्या करने वाली है, पोरवाल जी को बताना कांग्रेस क्या करने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सत्ता में भी आना है। मुझे मैं कांग्रेस क्या करने वाली है? सामने चुनौती नहीं है, जनता मन मस्तिष्क से
जनता मन मस्तिष्क के अंदर निर्णय ले चुकी है कि इस भारतीय जनता पार्टी का कुराज को अंत करना है। अच्छा, टिकट किसको देंगे आप? दूसरी चीज, जीताऊं उम्मीदवार बाहर से कहीं से उठाकर पटक देंगे या वाकई में जो आम जनता, आम कार्यकर्ता ने मेहनत की है उसका फल मिलेगा उनको? आम कार्यकर्ता ने जो मेहनत करी है उसको प्रतिफल मिलेगा, उसको टिकट में तरजीह दी जाएगी, महत्व दी जाएगा, उसको कंसिडर किया जाएगा। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने भी इस बात को दोहराया है और अभी राहुल गांधी जी जो जयपुर आए थे वो भी यही कह के गए हैं कि जो उम्मीदवार संघर्ष कर रहा है कांग्रेस के कंधे से कंधा मिला के जनता की आवाज बन के सड़कों पर उतरा हुआ है उस कार्यकर्ता को महत्व देते हुए टिकट दिया। चलिए सैनी साहब, नीति हमारी सैनी साहब, ये नेताओं की बयानबाजी होती है वाकई में? क्या जो कहते हैं कि हम पैराशूट उम्मीदवारों को तरजीह नहीं देंगे, लेकिन जब चुनाव आता है टिकट बढ़ता है उसके बाद पता चलता है कि भाई पार्टी का फैसला लिया गया है ये उम्मीदवार यहां से जीत सकता है इसीलिए इसको लाया गया है, तब कहा जाता है कि पार्टी कार्यकर्ता इस बात को माने या थोप दिया जाता है? यह सच है चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का मंत्र है क्या? ये सिर्फ एक 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 वक्त में तो ऐसा हुआ करता था कि विचारधारा से संबंध जो कार्यकर्ता हुआ करते थे वो अपनी पार्टी के लिए कमिटेड हुआ करते थे। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी में ये परिपाटी रही है कि प्रतिबद्ध कार्यकर्ता अनुशासन में रहता है, इस तरह से नहीं करता है। ठीक है, लेकिन जब से मास बेस पार्टी बनी है इनमें वही झलक देखने को मिलती है जो कांग्रेस के अंदर स्थापित रही है। इसको मैं यूं कहता हूं कि दोनों पार्टियों में डेमोक्रेटिक स्वरूप ज्यादा बिखर गया है, ज्यादा आ गया है, और दोनों पार्टियों में जो लोग अपना हक चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करते हैं और बात करते हैं, खुलकर के कहते हैं। वो खुलकर कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता बिल्कुल झगड़े में नजर आती है, इतना सहज रूप से नहीं होता कि आपको सुन लिया जाए। ये तो सत्य है कि दोनों पार्टियां इस बात की कोशिश करते हैं कि टिकट उसी को दिया जाए जो जीतता हो, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप से स्थापित करने के लिए कि बड़ी नैतिक तरीके से सारी चीजें की है उसको, इसीलिए ये कहा जाता है कि साहब जो कार्यकर्ता था जिसका अपना कमिटमेंट है जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं उसको टिकट दिया गया है। हकीकत में इसके विपरीत होता रहा है, कुछ ना कुछ जिनकी पसंद का सिलसिला उसको दे दिया जाता है और उसके बाद में ऐतराज होता है, लेकिन चूंकि पार्टी के पक्ष में हवा और कार्यकर्ता होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ा मजबूत था यह सिलसिला। ठीक है, और जिसको उन्होंने टिकट दे दिया निश्चित रूप से उसके लिए पूरी पार्टी को लगना होता था। ठीक है, कांग्रेस में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का सिलसिला और बगावत का सिलसिला हो जाया करता था, इस बार ना हो इसके लिए राहुल गांधी ने बोला कि साहब मैं ऊपर से पैराशूट का वो डोरी काट दूंगा, इधर कहा गया कि नहीं नहीं हम लोग सब लोग मिलकर के तय करते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन टेंशन तो है, तकरार तो हो रही है जो अपने आप में दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरवाल साहब, मेरा सवाल वही है कि क्या वाकई में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए पार्टियां ऐसा करती हैं? क्योंकि आपके पार्टी में अब तक ऐसी परिपाटी नहीं थी कि वाकई में ऐसे सवाल उठाए जाएं, लेकिन अगर अब सवाल उठ रहे हैं तो ये सवाल भी लाजमी है कि क्या वाकई में, चूंकि दबाव एक ये है कि दोबारा सत्ता में आना है, दोबारा सत्ता में आना तो ये देखना होगा कि कौन सा उम्मीदवार वाकई में जीत सकता है, ये भी आपको तय करना होगा, तो क्या इतना आसान है कह देना कि पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया जाएगा या कार्यकर्ताओं को ही तरजीह दी जाएगी, ये बैलेंस कैसे होगा? संजय जी, ये बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि कभी भी पैराशूट उम्मीदवारों को यहाँ पे चयन नहीं किया गया, कभी पैराशूट उम्मीदवारों को यहाँ पे स्थान नहीं मिला है। जैसा कि भारद्वाज जी ने अभी मुझसे पूछा था कि मदन लाल जी सैनी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनकी चलेगी कि नहीं, तो मैं उनके बारे में इतनी सी बात कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो आदर्श पुरुष राहुल गांधी जी हैं उनका उनके बारे में तो ज्ञान इसी से लग जाता है कि जब स्टेज पे जनगण मन का कार्यक्रम, राष्ट्रगान का कार्यक्रम चल रहा है वहां पे वो हंसी मजाक और ठट्ठा ठोड़ी कर रहे हैं, उनके दिमाग की परिभाषा यहीं पता लग जाती है। और सचिन पायलट जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक हारा हुआ व्यक्ति जो कि अपरिपक्व है और हतोत्साहित है, ऐसा व्यक्ति इनका प्रदेश अध्यक्ष है, और एक और हमारे 70 वर्ष से भी अधिक अनुभवी व्यक्ति मदन लाल जी सैनी, आदरणीय मदन लाल जी सैनी, जो कि संगठन का पूरा अनुभव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। तो मान के चलिए कि हमारा ताना बुना बहुत मजबूत है और निश्चित वही काम होगा जो कि संस्कार और पार्टी की रीति नीति के हिसाब से होगा, कोई पैराशूट यहाँ अलाउ नहीं होगा, और पैराशूट तो खुद राहुल गांधी जी है तो वही पैराशूट ही आएंगे सारे। सवाल पैराशूट से बदलते बदलते देखिए अब पार्टी की रणनीति से भी आगे जाकर पार्टी की जो संस्कृति है उस पर आ चुका है। बीजेपी कह रही है हमारे अंदर ऐसे संस्कार ही नहीं है, ये तो कांग्रेस को सोचना होगा। नहीं, बीजेपी के संस्कार तो आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी को 74 दिन बाद में प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल जी के बारे में जैसा कि श्रीमान बता रहे हैं बीजेपी के प्रतिनिधि, मैं कहता हूं ये अपने घर की चिंता करें, हमारे घर की चिंता छोड़ दें, इनको सरकार बनाने का जो सपना देख रहे हैं ये गौरव परिवर्तन यात्रा, ये देश प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जंगल राज में बदल चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है,
भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पे चल रहा है, ये किस बात से गौरव यात्रा लेके घूम रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर जनता ये तय कर चुकी है कि कांग्रेस का राज बनेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जनता से मैं कहना चाहता हूँ, कल आप वोटिंग की डेट दे दीजिए और डेट के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का नहीं, यही बताइए ना, ये तो हम तो यही हम जानना चाहते हैं, कार्यकर्ता भी यही जानना चाहते हैं कि अगर सरकार बनाएंगे तो हमारा नुमाइंदा जो होगा वहां की आम जनता का नुमाइंदा होगा उन्हीं के बीच का होगा या बाहर का होगा, क्योंकि जीत के लिए तो पार्टियां कुछ भी कर लेती हैं। नुमाइंदा जनता का जो नहीं, नुमाइंदा जो जनता का होगा वो जनता पार्टी तय करेगी कि ये नुमाइंदा होगा। हमारी एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ पूरा लोकतंत्र है, स्क्रीनिंग कमेटी नहीं सर, ये तो स्वतंत्रता आपके ऊपर है, उसका फैसला कार्यकर्ता भी आपके ऊपर है, लेकिन कार्यकर्ताओं की एक भावना भी होती है कि पार्टी क्या उनके ऊपर किसी उम्मीदवार को थोप रही है या फिर उनके मन से काम कर रही है। कार्यकर्ताओं की भावना, कार्यकर्ताओं की, मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप कांग्रेस पार्टी टिकट देती आई और आगे भी टिकट देगी। पैराशूट उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी, कर रहे थे मैं, पैराशूट उम्मीदवारी तरजीह में रहेगी। नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा मैं दूसरी एक बात, संजय जी मेरी बात सुनिए, पिछले से पिछले चुनाव में हमारे एक कैंडिडेट ने इनके, हमारी पार्टी छोड़ के इनके यहाँ गए, शैलेंद्र जोशी बांदीकुई से, इन्होंने पैराशूट से उनको उतारा और उनका हश्र क्या हुआ, तो उनको चुनाव हारना पड़ा। इस बार क्या बात कर रहे हैं संस्कृति की, इस बार बताइए, इस वाली बात ये कर रहे हैं, इस बार बताइए, उधर राज बना, राहुल गांधी की बात को मान ले, मील का पत्थर, उनको चुनाव हारना पड़ा, राहुल गांधी की बात को मान ले, बिल्कुल गांठ बांध ले कि हाँ इस बार पैराशूट उम्मीदवारी नहीं होने वाली, ऊपर से ही रस्सी काट देंगे जिन्हें, जो बिल्कुल पैराशूट कैंडिडेट नहीं आएंगे, राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल के गए हैं, उसको आप बिल्कुल मान लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। सैनी साहब, राहुल गांधी की बात को कांग्रेस के नेता ऐसे बोल रहे हैं जैसे वाकई में इन्होंने तय कर लिया है कि भाई हारेंगे या जीतेंगे, पैराशूट उम्मीदवारी कतई बर्दाश्त नहीं। संजय, ये तो सच है कि देखिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका फैसला है कि साहब हम लोग उन्हीं लोगों को टिकट देंगे जो अपने इलाके के अंदर है, उनकी कमेटी बनी उसके हिसाब से सिलसिला होगा, तो इसमें कोई संकट की बात है नहीं। और इसको, इसको नहीं, सवाल ये है ना सैनी साहब, कह तो देते हैं ये लोग, आप इतना हल्का भी कह तो देते हैं लेकिन जब चुनाव आता तो बदल जाते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने आने के बाद में अपने संगठन की स्थितियां बदली हैं और जिस तरीके के नौजवानों को वो उन्होंने अपना कार्यभार सौंपा है, अलग अलग प्रदेशों के अंदर जो पीसीएस चीफ बनाए हैं वो अलग अलग बात, उनको लेकर काफी टेंशन हुए लेकिन बाद में संवाद भी स्थापित हुआ और एक चीज भी सामने आई है। ऐसे में उनकी मजाक कि आंख मटकाते हैं या क्या करते हैं, तो ऐसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, दूसरे बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में इससे कुछ पता नहीं लगता, पता इससे लगेगा कि जनता क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी रही है, उसके अंदर टिकट देने की जो परंपरा है, मैं कहूं कैलाश में एक बार 10 बार सीट बदल चुके हैं, घनश्याम तिवाड़ी बदल चुके हैं, जगदीश माधुनी यहां से आए चले गए, भैरव सिंह चले गए, तो ये सब नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बार अगर होने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हीं लोगों को टिकट मिले जो वास्तव में उस क्षेत्र के हैं और कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। और आमेर में जो देखने को मिला वो इसीलिए देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी में कि वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारा स्थानीय कार्यकर्ता कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हम उसको दें, ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अच्छी बात है, हो रही है तो कोई, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये तब तय होगा जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, टिकट वितरण किया जाएगा, देखना ये होगा कि क्या वाकई में दोनों पार्टियां जो इस वक्त दावा कर रही है उस पर खरी उतर पाती है। पुरवाल साहब, इसके पहले तो वाकई में कभी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं रहा है, लेकिन ये 2-3 नाम जैसा कि सैनी साहब ने गिनाया, इसके पहले भारद्वाज साहब ने गिनाया है कि पिछली बार चुनाव में देखा गया था और 1-2 मुद्दे इस वक्त उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस जिस तरीके से आश्वस्त कर रही है कि हाँ इस बार हम पैराशूट उम्मीदवारी को बिल्कुल तरजीह नहीं देने वाले हैं, अविनाश राय खन्ना के बयान से क्या मतलब समझा जाए कि पार्टी जो फैसला करेगी वो कार्यकर्ताओं को मानना होगा, क्या आप भी उस स्टैंड पर कायम है, उसी स्टैंड पर आगे बढ़ेंगे या फिर जीत और नीत ये दोनों सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड होगी? संजय जी, हमारे चुनाव संचालन समिति बनी हुई है और वो तो ये तय करेगी कि किस प्रकार से टिकटों का वितरण होगा, कौन टिकट किसको टिकट दिया जाएगा, पार्टी के फोरम पे नीचे जमीनी स्तर पे कौन कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कौन किस प्रकार से पार्टी को ऊपर ले जाने का उत्थान, यानी ये माना जाए कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है कि कहीं पर किसी दूसरे दिग्गज नेता को उतारने की अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर इस बात से परहेज नहीं किया जाएगा, उसको वहां पर टिकट दे दिया जाएगा।
वो समयकाल परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि समयकाल अच्छा। परिस्थिति क्या कहती है। लेकिन मैं एक बात अभी भारद्वाज जी ने जो हमारी गौरव यात्रा के मुख्यमंत्री जी गौरव यात्रा के बारे में कही है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनका जो मेरा बूथ मेरा गौरव यात्रा चल रही है जहाँ पे जूते चप्पल चल रहे हैं वो तो ये स्थिति है कि इनके जो प्रदेश का कार्यक्रम हुआ जो रामलीला सुनिए इनके रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम हुआ है अपनी गौरव यात्रा को आगे बढ़ने दीजिए, गौरव यात्रा को आगे बढ़ने दीजिए। पूरी बात मैं कह रहा हूँ गौरव यात्रा को आगे भारद्वाज साहब ये बात सच है कि जिस टिकट को लेकर अभी हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि पैराशूट उम्मीदवारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन टिकट को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी कई धड़े हैं। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल आपकी बात सही है, स्थानीय कार्यकर्ताओं में कई धड़े हैं और आपके मेरा बूथ मेरा गौरव में ये तस्वीर देखी गई थी, ये सब कुछ देखा गया था। आपके सामने तीन दिक्कत हो गई, एक तो आपसी जो कार्यकर्ता हैं स्थानीय कार्यकर्ता उनको कैसे समझाएंगे। मैं मेरी बात सुनिए, नहीं 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 देखिए प्रतिस्पर्धा हर जगह होती है, स्थानीय कार्यकर्ता ये चाहता है कि वो जिसका सपोर्टर है उसको टिकट मिले। जो मेरा बूथ मेरा गौरव की जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, जिसको परिभाषित बड़े भौंडे शब्दों में करते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ राजनीति में इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। नहीं तो जूते चप्पल आपके उसके अंदर नहीं चल रहे, मेरी बात बता दीजिए। अरे वो सिंहराज जी की क्या जूते चप्पल चलना, मुझे आपसे एक बात याद दिलाना, आप एक बात याद कर लीजिए, राष्ट्रगान चल रहा है राजस्थान के अंदर, वसुंधरा जी ने जब पहली बार यात्रा निकाली थी कितने जूते चप्पल चले थे, कितने कुर्सियां जम कर रहे हो, आप मुझे एक बात याद दिला दीजिए। बात बोलूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि सभी राजनेताओं को बचना चाहिए और आपने भी किया है तो ये सही नहीं है। दोनों ही पार्टियां राजस्थान में सम्मानित पार्टियां, ऐसे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल उचित नहीं है और हम कतई ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की परमिशन अपने शो में कतई नहीं देंगे। अगर आपको अपनी बात रखनी है संसदीय भाषा का इस्तेमाल करिए, दोनों ही पार्टियों को लेकर ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं और अच्छाइयां नहीं है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। कहना चाहता हूँ आप थोड़ा शालीनता से सुनिए शब्द बातों को। आप राज बनाने की जो बात कर रहे हैं, जब वसुंधरा जी प्रथम बार राजस्थान आई थी और उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उस परिवर्तन यात्रा का हश्र अगर आपको याद नहीं है तो पुराने अखबार उठा के देख लीजिए, पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, कितनी जगह उनके परिवर्तन यात्रा में। चलिए छोड़िए, मेरे पास समय बहुत कम है, आप मुद्दे भटका रहे हैं इस वक्त। भारद्वाज साहब 20 सेकंड में बताइए, पैराशूट उम्मीदवारी आपकी पार्टी बिल्कुल तरजीह देने वाली है या वाकई में सीरियस नकारने वाली, 20 सेकंड में। सर हमारा मुद्दा यही था, आज का सवाल भी यही है, पैराशूट उम्मीदवारी कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी या नहीं। पैराशूट मैं ये कहना चाहता हूं, पुनः आपको इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बोल के गए हैं कि पैराशूट उम्मीदवार नहीं उतरेंगे, वो बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, चुनाव से पहले तक उस बात का पालन किया जाएगा। जो पोरवाल साहब 20 सेकंड आपके पास, बिल्कुल याद रखेंगे आप निश्चिंत, मुझे पोरवाल साहब 20 सेकंड आपके पास भी, रणनीति के हिसाब से टिकट की दावेदारी की जाएगी, टिकट बांटा जाएगा या फिर पैराशूट उम्मीदवारी भी चल सकती है। नहीं, पैराशूट उम्मीदवारी नहीं चल सकती, समय समय के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा और संचालन समिति इसके लिए निर्णय लेगा। 20 सेकंड में आप भी बोल दीजिए दोनों को सुनने के बाद, जीता उम्मीदवार जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगा, पक्की बात। कुल मिलाकर के ये ठीक बात बोल रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार अगर सामने आ गया और कोई स्थानीय कार्यकर्ता भी है, बहुत काम करता रहा लेकिन उसकी लोकप्रियता नहीं है, उसका नंबर कट जाएगा, चाहे वो कांग्रेस में कटे चाहे वो बीजेपी। यही राजनीति, बिल्कुल सैनी साहब आपने सही कहा, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जीतता कौन है सीट दिलवा सकता है, ये देखा जाता है। आज हमने जो दिन भर सवाल आम जनता से पूछा है, दरअसल वो आपको बता देते कि लोगों ने क्या कुछ कहा है, और ये सवाल आज जो दिन भर हमने पूछा है आम जनता से, क्या प्रत्याशी का जिताऊ चेहरा होना टिकट की दावेदारी के लिए सही है और आधार होना चाहिए, तो कुल मिलाकर 52% लोगों ने कहा है हाँ, 48% लोगों ने कहा है नहीं। लेकिन फिर वही सवाल कि दोनों ही पार्टियां ये दावा तो कर दी हैं कि भाई पैराशूट उम्मीदवारी नहीं होगी, लेकिन जब टिकट बांटा जाएगा उस वक्त देखा जाएगा। शुक्रिया आप तीनों लोगों का आपसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर यही सवाल है कि क्या पैराशूट उम्मीदवारी से दोनों पार्टियां दावा तो कर रही लेकिन बचेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रवक्ताओं के बात से ये भी समझ में आ रहा है कि स्थिति बताएगी कि वाकई में सीट निकलने के लिए निकालने के लिए कोई ऐसा दावेदार सामने आ रहा है जो जिताऊ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आम कार्यकर्ताओं से और पार्टी सहमति के बाद जिसको टिकट दिया जाए उस पर ही मोहर लग जाए। फिलहाल आज न्यूज़ एंड व्यूज़ में इतना।